नमस्कार दोस्तों, ये इंजन कॉमेट का है। ये दोस्तों चलते चलते और ये एयर बना लेता था। ये 8-10 घंटा चलने के बाद में ये अपने आप एयर बना लेता था, फिर एयर निकालने के बाद में ये स्टार्ट होता था। इसका दोस्तों पंप सेट भी सारा बदल दिया गया था, ओबो उसका पड़ा था कंपनी का, फिर भी ये इसकी ये दिक्कत नहीं ख़त्म हुई एयर बनाने वाली। और दोस्तों कई दोस्तों ने हमसे कमेंट में पूछा भी था कि दोस्तों हमारा इंजन चलते चलते, और कुछ लोगों ने पूछा था कि इंजन हमारा खड़ा रहता है ज़्यादा दिन तब भी एयर बन जाती है। तो आज ये इंजन बनना था तो हमने सोचा चलो आज हम वीडियो बनाकर इसकी डालते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होगी, अगर आप जान लेंगे तो आपका इंजन कभी भी एयर नहीं बनाएगा। इसमें दोस्तों वैसे हमारे यहाँ पर तो 50 रुपये का ये पाइप आता है, 3 पाइप, लगभग सेम ही होगा, इसका रेट ज़्यादा नहीं होगा। धक्का लगा तो दिखाई दे, इसको हम आज सेट करके आपको बताएंगे, क्योंकि कई लोगों ने हमसे पूछा था कि हमारा इंजन एयर बनाता है कमेंट में। इसका वीडियो आज हम बना कर डाल रहे हैं। ये दोस्तों 3 पाइप जो आता है 3 पॉइंट का, इसमें एक 10 नंबर का नट लगा होता है, वो जो नट सॉकेट लगा होता है वो इसमें पंप में टाइट किया जाता है, जहाँ से एयर निकाली जाती है 10 नंबर से। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। इसमें इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। कमेंट में दोस्तों जो पूछा जाता है उसको दोस्तों तत्काल ही नहीं बनाया जा सकता है, जब उसी सिस्टम से कोई दिक्कत वाला जब इंजन मिलता है तभी वो चीज़ बनाई जा सकती है। इसलिए ये इंजन आज इसमें यही दिक्कत थी जो आप लोग कमेंट में पूछते थे। ये दो जो आपको पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, एक इसमें टाइट होगा ऑटो मेजर में और एक जाएगा टंकी में। इससे ऑटो मेजर का जो वापसी का तेल आता है वो भी इसी में जाएगा, और इससे दोस्तों एक और फ़ायदा होता है कि आपका डीजल बेकार नहीं होगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला ही बढ़ेगा, इसलिए दोस्तों आप हम सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारा हौसला और ही बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद जय भारत।